हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इन कलरों की ऊन से बहुत ही सुंदर एक नीटिंग डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बना के इसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने सिंगल धागे से फंदे डाले। सिंगल धागे से फंदे डाल के नीचे आप कोई भी बॉर्डर बनाइए, या तो उल्टे उल्टे का बनाइए या एक सीधा एक उल्टे का बनाइए, जो भी बॉर्डर आपको पसंद है वही बॉर्डर बना के आगे। यहाँ से मानिए डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई और सीधी सिलाई। पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, इस सिलाई को, पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। और इस डिज़ाइन को हमने 2-2 के मल्टीपल में फंदे लेके तब इस डिज़ाइन को बनाया। तो इसे हमने यहाँ पर देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। धागा पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन की हमने पहली सिलाई सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। दूसरी सिलाई में हम यहाँ पर सेकंड कलर अटैच करेंगे। हर कलर हमने, जब भी कलर चेंज करेंगे तो उल्टी साइड से ही हम कलर को, यानी कि धागे को चेंज करेंगे। तो ये धागा लगा के सेकंड कलर, और इस सिलाई को हमने उल्टी साइड से भी ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये डिजाइन की हमने लास्ट फंदे को सीधा, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट की। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। तीसरी सिलाई, या तो आप इस फंदे को उल्टा बनाइए या ऐसे ही उतारिए। पहला फंदा उतारा, इसको भी हम उतारेंगे। अगले तीसरे फंदे को हम किस तरह से बनाएंगे, तीसरे फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे और थोड़ा सा यहाँ लूज फंदा करके ही बनाएंगे। इस तरह से ये हमने उल्टा फंदा बनाया, एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे। अगला फंदा फिर से हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगले फंदे को उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से अगला फंदा भी उल्टा बनाया, एक फंदा ऐसे ही स्किप किया। अगला फंदा फिर से हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, उल्टा बनाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम ये लूज फंदा ही बनाएंगे। अगले फंदे को फिर से ऐसे ही उतारेंगे, अगला फंदा फिर से हम यहाँ पर लूज फंदा बनाएंगे। इस तरह से तो अगले फंदे को फिर से बगैर बुनाए ऐसे ही उतारेंगे, अगला फंदा फिर से हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, अगले फंदे को फिर से ऐसे ही उतारेंगे, अगले फंदे को फिर से उल्टा बनाएंगे और फिर से ऐसे लूज फंदा हम बनाएंगे। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे ताकि किनारे से फिनिशिंग आए। तो ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई को किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। अब फिर से हमने ये बेस वाला कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से तो इस डिज़ाइन में हमने सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही ये डिज़ाइन हमने बनाया। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। लास्ट सिलाई, चौथी सिलाई बन के हमने
बना के कंप्लीट कर ली है उल्टी साइड से। अब आ गए हैं डिज़ाइन की पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई को ध्यान से देखिए, ये हमने चार सिलाई इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया है। पांचवी सिलाई को फिर से पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे। पूरी सिलाई मैं बना के दिखा देती हूँ। डिज़ाइन को गैप देने के लिए पूरी रो को बेस वाले कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। पांचवी सिलाई को पहली सिलाई की तरह ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने कंप्लीट करना है। तो सिर्फ चार सिलाई का डिज़ाइन है। चार चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे और उल्टी साइड से हर पीछे से धागा चेंज करेंगे तो उल्टी साइड से ही हम धागे को लगाएंगे। ये पांचवी सिलाई को हमने इस तरह से देखिए सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन की छठी सिलाई में सेकंड कलर लगाएंगे हम, दूसरा कलर, यानी कि या तो आप येलो कलर लगा लीजिए या कोई भी आपको कलर पसंद है, जो आपके पास थोड़े थोड़े से धागे बच जाते हैं उनको लगा के इन्हीं चार चार सिलाइयों को आप रिपीट कीजिए। तो मैं थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़े में डिज़ाइन का हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास बची खुची वूल होती है उनको लगा के आप ये डिज़ाइन बना लीजिए। अगर डिज़ाइन पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।